वही भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। आजम खान को लेकर छिड़े घमासान के बाद भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा वो भी आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के सिद्धांत तानाशाही और परिवारवादी हैं और वो आंतरिक लोकतंत्र से परे हैं, इसलिए उनके नेता के खिलाफ विद्रोह के स्वर सुनाई दे रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने ये ट्वीट किया है। वहीं शिवपाल यादव के बाद अब आजम खान के ऑफिस से अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत की आवाज उठी है। दरअसल रामपुर में आजम खान के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हुई बैठक में आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान उर्फ शानू ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। आजम खान के मीडिया प्रभारी ने सीएम योगी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि अखिलेश नहीं चाहते आजम खान जेल से बाहर आए। ये बात सही है, ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव ने आजम खान की बलि दे दी है। इतना ही नहीं, फसाहत खान ने यह भी कहा कि अखिलेश ने हमें बीजेपी का दुश्मन बना दिया, वो अब तक आजम खान से मिलने जेल भी नहीं पहुंचे हैं। करीब 2.5 साल से आजम खान जेल में है और अभी तक कोई मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव नहीं पहुंचे हैं। चुनाव में जो 111 सीटें आई हैं वो हमारी वजह से आई हैं, फिर भी अखिलेश हमारे नहीं हुए। ये बड़ी बातें कही गई हैं आजम खान के कुनबे की ओर से, मीडिया प्रभारी की ओर से ये तमाम बातें कही गई हैं। और अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या होगा अगला कदम और क्या यहां से कोई संकेत देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी भी हम देख चुके हैं और उसके बाद वो कुछ संकेत भी दे चुके हैं। लेकिन अब शिवपाल के बाद आजम खान के ऑफिस से अलग ही बगावती सुर भी सुनाई दे रहे हैं। हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सारा ठिकरा अब दूल्हे दे दिया है। दरी भी अपनी उठाएगा, कोर्ट भी अपनी देगा और जेल भी अपनी उठाएगा, सवाल हो जाएगा, उनका मुकदमे भी किए जाएंगे, उसके घर में बिल्कुल की हो जाएगी, उससे वसूली की जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके मुंह से ये शक्ल ही निकलेगा। हमने आपको